हे गाइस, हर इंसान के लिए शराब पीना हानिकारक है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि जेब के लिए नुकसान वाला सौदा होता है। कई बार तो शराब के चक्कर में परिवार ही तबाह हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ऐसा भी है जिसकी शराब के कारण किस्मत ही बदल गई। शराब पीने के इस शौक की बदौलत अमीर हो गया। सुनने में आपको ये बात भले ही थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन ये पूरी तरीके से एकदम सच है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के रहने वाले 65 वर्षीय निक वेस्ट की, जो पिछले 42 साल से बियर की कैन जमा कर रहे थे। अपने इस शौक के कारण उनके घर में 10,300 कैन जमा हो गयी, जिनमें से कुछ तो काफी ज्यादा दुर्लभ थे। वेस्ट ने आगे कहा कि ये सिलसिला उस दौरान शुरू हुआ जब मैं 16 साल का था और मुझे टिकटें और अन्य चीजें इकट्ठा करने में मजा आता था। इसी दौरान मुझे दोस्तों के साथ मुझे शराब की लत लग गई और मैंने जमकर बियर पीना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौरान मैं बियर की कैन को जमा रखता था, जिससे मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा। एक समय आया जब मेरे शौक के कारण मेरा रूम मुझे छोटा पड़ने लगा। इसके बाद मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए 5 बेडरूम का एक नया मकान किराए पर लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसों की कमी होने लगी। अब इन डिब्बों को रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वेस्ट ने इनमें से कुछ डिब्बों को बेचने का फैसला किया। पहले 6,000 डिब्बे बेचे, जिससे $13,500 ₹14,00,000 मिले, क्योंकि ये सारे कैन काफी ज्यादा यूनिक थे। इसके बाद मैंने 1,800 डिब्बे इटली में बियर कैन डीलरों को बेचे, जिसके बदले मुझे $12,500 मिले। हालांकि उनमें से ज्यादा कैन मैंने ब्रिटिश म्यूजियम को दान कर दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास 3 ऐसे कैन थे जो काफी ज्यादा दुर्लभ नजर आ रहे थे। ने इसे इसलिए रखा क्योंकि इसकी डिजाइन और सादगी मुझे बेहद पसंद है। निक वेस्ट ने आगे बताया कि मेरे पास सबसे पुरानी बियर की कैन 1936 की है, जो दिखने में काफी अच्छी लगती है।